गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, सामान्य इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है। सामान्य इंग्लिश बोलने में एक बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है। सामान्य इंग्लिश बोला जा सकता है, सिंपल है, लेकिन जब उसमें फ्रेज का इस्तेमाल होता है तो थोड़ी सी मुश्किल बात हो जाती है। इसलिए मैं कुछ दिनों से आपके सामने ऐसे फ्रेज लेके आता हूं, आ रहा हूं, जो हमारी इंग्लिश को डेकोरेटिव अफेक्टिव इंप्रेसिव बना देती है, बना रही है, बना सकती है। तो दोस्तों, फ्रेज इंग्लिश स्पीकिंग में काफी रोल प्ले करते हैं, और फ्रेज का अगर हम लोग लिटरल मीनिंग निकालेंगे तो हम लोग समझ नहीं पाएंगे। तो आपको फ्रेज की मीनिंग को याद रखना पड़ेगा, उसका मीनिंग क्या होता है। इसी श्रेणी में आज मैं आपके सामने फिर एक फ्रेज लेके आया हूं, लाइक एनीथिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइक एनीथिंग का मतलब क्या होगा, तो आप तो यही बोलेंगे, किसी चीज की तरह। बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसका मतलब किसी चीज की तरह नहीं हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है बहुत ज्यादा, वेरी मच, डीपली, इस सेंस में यूज किया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही प्यारा है, नया टॉपिक आपके लिए, बिल्कुल अनोखा टॉपिक है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और उसकी एक एक बात को समझेंगे, और अगली बार से बोलने की कोशिश करेंगे लोगों के सामने, और लोगों को इंप्रेस करिए ऐसे वाले वाक्यों को बोलकर। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी पुश कर दीजिए, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक आपके सामने लेके आने वाला हूं। और दोस्तों, चलते हैं उसी श्रेणी में, आज नया टॉपिक देखते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। समझते हैं लाइक एनीथिंग का लिटरल मीनिंग ना निकालें। इसका मतलब हो रहा है वेरी फोर्सफुली, बहुत ज्यादा फोर्स करते हुए, डीपली, गहराई से, वेरी मच, बहुत ज्यादा, टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब इसको हिंदी में देखते हैं, बहुत ज्यादा, गहराई से। ये इनफॉर्मल यूज है, ये मोस्टली यूज नहीं किया जाता, इनफॉर्मल यूज है। यालो, अब देखते हैं पहला सेंटेंस, शी लव्स मी लाइक एनीथिंग। शी लव्स मी वेरी मच तो हम लोग बोल सकते हैं, शी लव्स मी डीपली बोल सकते हैं, शी लव्स मी मैडली बोल सकते हैं, लेकिन एक नया वर्ड आपके सामने आ गया, शी लव्स मी लाइक एनीथिंग। बिल्कुल सही, वह मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, जितना मैं नहीं करता, वो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती, पता नहीं क्या बात है। यस, नेक्स्ट, योर वर्ड्स हर्ट मी लाइक एनीथिंग। आपके जो शब्द है ना, आपके शब्द मुझे बहुत दुख देते हैं, आपके शब्द मुझे बहुत चुभते हैं। यस, योर वर्ड्स हर्ट मी वेरी मच टू अ ग्रेट एक्सटेंट। ये ना कहते हुए आप हम लोग बोलेंगे लाइक एनीथिंग। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आई हैव अ हेडेक लाइक एनीथिंग। मुझे बहुत ज्यादा सिर दर्द है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से बोलेंगे, आई हैव वेरी मच हेडेक कह सकते हैं, क्योंकि जब सिरदर्द बहुत ज्यादा होता है तो हम लोग कहते हैं आई हैव अ बैड हेडेक। तो लाइक एनीथिंग का मतलब बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे हमें कहना है कि मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, तो माई हैंड इज एकिंग लाइक एनीथिंग। एकिंग, ACHING, एकिंग, एक यानी दर्द देना। यस, यस्टरडे आई वेटेड फॉर यू लाइक एनीथिंग। कल मैंने आपका बहुत इंतजार किया। यस्टरडे आई वेटेड फॉर यू वेरी मच। यस्टरडे आई वेटेड फॉर यू इम्पेशेंटली, बेसब्री से इंतजार किया। ये न कहते हुए अब हम लोग कहेंगे यस्टरडे आई वेटेड फॉर यू लाइक एनीथिंग। बहुत ही प्यारा वर्ड था, बहुत ही अच्छा फ्रेज था। अगली बार जरूर इस प्रकार के वर्ड्स बोलने की कोशिश करें, और अपनी इंग्लिश को डेकोरेटिव बनाइए, मॉडिफाई बनाइए, और ब्यूटिफाइड बनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो छोड़ने के पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। दोस्तों, वीडियो तो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही नया टॉपिक था, तो प्लीज शेयर करेंगे, बहुत से लोगों को शेयर करेंगे। और मैं लाइक एनीथिंग की जगह पर और कौन कौन से वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूंगा, आप मुझे जवाब देके बताएं। वह मुझसे बहुत नफरत करती थी, इसका आप सेंटेंस बना के बताएंगे, लाइक एनीथिंग के साथ साथ और भी कम से कम 3-4।
अब कौन कौन से होते हैं आप समझ लीजिएगा, वह मुझे बहुत नफरत करती थी। मैं कमेंट बॉक्स में आपके सवाल का जवाब देखूंगा। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ और आपके डाउट के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।